तो आज के हमारी सेशन में जो जो कि आपको हम बताने जा रहे हैं एरे फॉर्मूला। जी हाँ, एरे फॉर्मूला इन एक्सेल 2016 में या फिर 7 में या फिर 13 में, सब में एक ही जैसा होता है। क्योंकि मैं पहली क्लास में आपको बताया था कि एरे जो है एक तरीका है, नॉट ए फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला लगाने का तरीका है जिसका यूज हम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को आसान बनाने के लिए करते हैं या बड़े बड़े लेंथी प्रोसेस को सिंपल करने के लिए करते हैं। तो आइए हम आपके साथ इसी तरह से कुछ छोटे 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 एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि किस तरीके से हम एरे में इसको बेहतर तरीके से, सरल तरीके से और एक सेल पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये है कि हमने कुछ यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं। और एवरेज हम निकालना चाहते हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट करके एवरेज हमने फॉर्मूला लगाया और एवरेज निकाल दिया। क्लियर है? बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसमें हम कहीं बीच में जीरो देते हैं तो एवरेज हमारा इफेक्ट करता है। जो एवरेज कर रहा है, एवरेज बेसिकली होता क्या है, सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ द वैल्यू। तो जो इसको सम करके डिवाइड, सम कर रही है वो 148 डिवाइड बाय 5 कर रहा है, ना कि 4 कर रहा है, जीरो को भी काउंट में ले रहा है। अच्छा, तो इस अब हमारे पास ये प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर ब्लैंक होता तो नहीं लेता, ब्लैंक में देखिए नहीं होगा, ब्लैंक में फिर वो इसको स्किप कर देता है। लेकिन जब कोई जीरो डाल देते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, स्किप नहीं करता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब आप कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जीरो को एवरेज के अंदर में नहीं लेना है, तो हमारे पास क्या चार आता है, खाया तो इफ फॉर्मूले लगा के मैं यहाँ पे जीरो को हटा दू या फिर इसमें जीरो को डिलीट करूं। और दोनों ही हमारा जो है वो लंबी प्रोसेस है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं आपके साथ कि जीरो कैसे रिप्लेस किया जाए। तो इसके लिए हम यहां यूज करेंगे एरे फॉर्मूला। कैसे? हम लिखेंगे एवरेज और एवरेज के साथ हम इफ कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। हम डायरेक्ट जो है इफ कंडीशन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ हमने बोला कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो इसी को शो करें। माफ कीजिएगा, ज्यादा सिलेक्शन हुए, हमने इसको सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन जीरो तो इसी को रिटर्न करें और फिर हम एंटर मार देते हैं। ब्रैकेट लास्ट में लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक लगा देगा। फिलहाल एरर आ रहा है, आप इस पर डबल क्लिक कीजिए एंड कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे कि आपको 37 रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक है एरे फॉर्मूला में हम कंबाइन इफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही हमारा आज का फॉर्मूला है। जी सर, ठीक है। अगर दूसरी क्वेश्चंस की बात करें तो दूसरी क्वेश्चंस में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं। तो एक मिनट, मैं नंबर यहां निकाल देता हूं। बहुत सारे नंबर्स हैं और इन नंबर्स में बहुत सारे तो डुप्लीकेट हैं, बहुत सारे यूनिक हैं। अब डुप्लीकेट कौन कौन है एक बार देख लें, हाईलाइट डुप्लीकेट करके देख लीजिए, देखिए 4-5 डुप्लीकेट है। तो मुझे इसमें चेक करना है कितने ऐसे नंबर हैं जो कि मोर देन 1 टाइम है और कितने ऐसे नंबर हैं जो कि डुप्लीकेट यूनिक है, सॉरी मुझे डुप्लीकेट एंड यूनिक नंबर का काउंट निकालना है।
तो हमें एक किसी अभी काउंट इफ का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, लेकिन काउंट इफ का फॉर्मूला प्रॉब्लम क्या है कि एक पर्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं है, एक के लिए होता है, हमें ओवरऑल। तो हमें करना क्या होगा, अगर मैनुअल कंसेप्ट पे हम एरे यूज ना करें तो मैनुअल क्या करना पड़ेगा कि हमें यहां पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा काउंट इफ, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसी के अंदर, और फिर इसको फ्रीज करेंगे F4 से, F4 से और नीचे की तरफ ड्रैग। अभी डुप्लीकेट के लिए यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे काउंट इफ करेंगे, और काउंट इफ में इसको सिलेक्ट करके बोलेंगे इज ग्रेटर देन 1 वन एंड काउंट इफ इज इक्वल टू 1। तो 15 यूनिक है और 4 डिवाइड बाई 2 होगा, 2 डुप्लीकेट। चार डिवाइड बाई 2 क्यों होगा यहाँ पे, देखेगा क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर 2 बार रिपीटेड है ना, इसलिए। तो ये तो हमारा मैनुअल कंसेप्ट हो गया, और मैनुअल कंसेप्ट में आपने देखा कि किस तरीके से मैंने अभी यहाँ पे इसका मतलब कि ये किया। इस्तेमाल करने के लिए हमें एक कॉलन यहाँ पे लेना पड़ा ना। मैं करूँ। तो हम चाहते हैं कि नहीं यार, एक कॉलम हमें ना लेना पड़े, एक बार में हो जाए, ठीक है। जी तो इसके लिए हम यूज करेंगे, मान लीजिए यहां पे सम इफ काउंट, तीनों को हमने इकट्ठा ले लिया, काउंट इफ हमने रेंज दे दिया, और किसको काउंट करना, हमें इसी को काउंट करना है, और डुप्लीकेट के लिए कंडीशन यहां पे हो जाएगा कि इज ग्रेटर देन 1, वन तो यहां पे 1 शो करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, 4 आ गया। ये जी सर। आपको कंफ्यूजन होगी कि आखिर कर क्या रहा है, कैसे अप्लाई मैंने की परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आप एवलेट फॉर्मूला पे चले जाएं और यहां पे देखिए काउंट इफ दिख रहा है आपको, तो यहां पे एवलेट कीजिए, तो जितने भी काउंट इफ हमने रिजल्ट दे दिया 1 2 2, इफ ने चेक किया है कौन ग्रेटर देन 1 है, जो ग्रेटर देन 1 है उसके जगह पे इसने ट्रू कर दिया, और जहां पे है फॉल्स कर दिया, जहां जहां ट्रू है वहां वहां इसने 1 शो कर दिया, जहां जहां ट्रू नहीं है वहां वहां फॉल्स, तो रिजल्ट आपके यहाँ पे आ जी गया 4। और ऐसे यूनिक के लिए आप इक्वल टू 1, सेम कंडीशंस, बस इक्वल टू 1 असाइन कर सकते, जी ठीक है, विदाउट्स सर। में। नहीं सर, वही सर कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर एरे का वही डालने से आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो आपको एरे को रन करने के लिए, नॉर्मल फॉर्मूला आप लगाते हैं तो एक्सेल कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि यार ये नॉर्मल फॉर्मूला है या एरे फॉर्मूला है, समझे। जी सर। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं ताकि एक्सेल को ये पता चल जाए कि दिस इज द एरे, और फिर वो एरे के तरीके से फॉर्मूले का रिजल्ट शो आउट करे, जी सर। इसलिए हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चंस में हम जो है मान लीजिए कि हमारे पास एक डेट है, डेट हमने डेट डाल दिया, हमने डेट डाल दिया, डेट है इसमें, जी और सर। यहां मान लीजिए कि सेल्स है, सेल्स है। जी सर। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें जनवरी का सेल चाहिए, तो इसमें जनरली अगर जनवरी का सेल लगाने के लिए हम सम इफ का इस्तेमाल करते हैं, बट यहां पे हम सम इफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते,
तो कैसे करेंगे? कुछ आइडिया है? क्योंकि अगर आप, चलिए, जब भी आपको आइडिया लगाना हो ना, सबसे पहले आप अपने इसके तरीके से देखें, नॉर्मल तरीके से देखें। तो पहला तरीका, नॉर्मल तरीका है, मतलब कि वीवी अगर ऐरे यूज ना करें तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा टेक्स्ट का फॉर्मूला, और इसको सिलेक्ट करके हम करेंगे डीडीडी, 3 बार डीडी करेंगे तो फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाएगा। तो टेक्स्ट फॉर्मूले में अगर हम 3 बार डीडी करते हैं तो यहाँ इस तरह का सैटरडे संडे मंडे आ जाता है, और फिर हमें सबमिट लगाना पड़ेगा। लेकिन हम इस चीज को नहीं करना चाहते, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा कॉलम हम ऐड नहीं करना चाहते। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ टेक्स्ट, और फिर इसको हम सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कॉमा डीडीडी, 3 बार डीडी इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा डीडी नहीं होगा, इस एमएम होगा, आपने भी नहीं बताया, डीडी हाँ डी जी, बोल हाँ देता है ना, इक्वल टू जैन, या लिंक कर दीजिए। ऐसा हुआ तो इसकी वैल्यू को वो शो करे, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो जैन को लिंक करना है तो इसको डिलीट करके हमने इससे लिंक कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, फिर हमने कॉमा नहीं लगाया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब आ गए, अब यहां पे मैं फैब डालूंगा तो फैब, मार्च डालूंगा तो मार्च, अप्रैल डालूंगा तो अप्रैल, जो आप डालेंगे वही यहां पे शो करेगा, ठीक है, समझ गए? तो अभी तक जो हमने किया वो सिंगल कंडीशंस की है, सिंगल कंडीशन की है। अब चलिए हम कुछ और करते हैं जिसमें हम मल्टीपल कंडीशंस की बात करें। तो नेम, और यहां पे हम सेल्स देते हैं, नेम में मैं यहां देता हूं पुनीत, पुनीत, और इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देते हैं, और यहां पे हम दे देते हैं सेल्स, तो पहला एग्जाम्पल ये है कि मुझे, हम लोग मान लीजिए कि इंद्र का सम चाहिए, तो इंद्र का सम हम निकाल सकते हैं सम इफ फॉर्मूले से। हमें एवरेज निकालना है तो हम एवरेज इफ फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे अगर मैक्स निकालना है तो मैक्स इफ नाम का कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो कैसे करेंगे मैक्स निकालने के लिए? तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम एरे। तो इसके लिए लगाएंगे कि मैक्स एफ, और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और बोला कि इक्वल टू इंदर है तो ये नंबर को शो आउट करें, ठीक है, और फिर कंट्रोल सी एंटर मार दीजिए। तो ये इंदर का मैक्सिमम दिखा रहा है, अगर मैं नेहा डालता हूं तो नेहा का दिखा, मैक्स इफ होगा। तो एक एक मैक्स इफ नाम का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं था, हमने यहां पे बना लिया। जी आप इसी तरीके से मान लीजिए कि हमें एक और बात करते हैं, हमें डबल कंडीशंस इस्तेमाल करना है। मैक्स इफ ही मान लीजिए, तो हम बता रहे हैं आपको कि डबल कंडीशन किस तरह से इस्तेमाल करेंगे में। इसको सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ना कि मुझे यहाँ पे हमने लिखा और कंडीशन दे दिया कि मुझे इंदर के नोएडा में इसका मैक्सिमम सेल क्या है, समझ गए? तो उसके लिए हम कैसे लगाएंगे, बताता हूँ। देखिए, हम मैक्स फिर देंगे यहाँ पे इफ,
हमने सिलेक्ट किया कि अगर a इक्वल टू आपका इंदर है, फिर जैसे नॉर्मल नेस्टेड इफ लगाते हैं उसी तरीके से हम देंगे कि इफ अगर हमारी सिटी इक्वल टू नोएडा है, ऐसा हुआ तो फिर ये सेल्स वैल्यू को आउट करो, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने रिजल्ट है इंदर नोएडा में 52 सेल्स है और दिल्ली के अंदर में 67 है मैक्सिमम। तो एग्जांपल क्या था, इस एग्जांपल में आपने डबल कंडीशंस लगाए मैथ्स के जरिए। तो एरे की पांच एग्जांपल मैंने आपको बताए, बेसिक भी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी। अब मैं चाहता हूं आपसे कि मुझे आप इसके पांच या दस एग्जांपल आप अपने तरफ से मुझे दें। ये फाइल और आज की रिकॉर्डिंग अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाती है, ठीक है? अगर आपको लास्ट क्लासेस से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, है कोई डाउट? अभी सर कुछ। ओके, ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं एरे फॉर्मूला के कुछ और एग्जांपल के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी डाउट, छोटा मोटा डाउट हो तो फोन करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, बड़े डाउट हो तो नोटपैड में नोट कर लीजिए और जब क्लास लेते समय आप मुझसे पूछ लीजिए। जी सर, ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके, बाय। तो दोस्तों देखा किस तरीके से मिस्टर शुभम को मैंने अभी ऑनलाइन क्लासेस दी, एक गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर से मेरे साथ लाइव थे, मुझसे लाइव डिस्कशन कर रहे थे, लाइव हमारी क्लासेस ले रहे थे। तो आप भी चाहो तो मेरे साथ लाइव दे सकते हो ट्रेनिंग गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से, अपने घर बैठ के मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, किसी भी समय जब आपके लिए सुटेबल टाइम हो आप हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको इनवाइट करते हैं हमारी फ्री डेमो क्लासेस के लिए। आप यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे वीडियो देखते हैं, आप एक दो बार हमारे साथ डेमो क्लास लेके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि यूट्यूब की वीडियो से अच्छा हमारी डेमो क्लासेस लाइव क्लासेस है। तो एक बार आप लाइव क्लासेस हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट www.iptindia.com पे जाएं, वहां पे डेमो क्लासेस का फॉर्म भरें, या कोई दिक्कत होती है तो मुझे कॉल करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। और आपको कोई भी एक्सेल की प्रॉब्लम या मेरे साथ ट्रेनिंग लेना हो या मेरी डीवीडी लेना हो तो मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।